नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का हिमाचल दौरा आज है और ऐसे में सुबह 9:40 पर मौसी एयरपोर्ट से रवाना हो जाएंगे, जिसके बाद 10:50 पर गगल एयरपोर्ट कांगड़ा पहुंचेंगे हिमाचल सीएम योगी आदित्यनाथ, और ऐसे में 11:30 पर हेलीपैड सलोह ऊना पहुंचेगा सीएम योगी आदित्यनाथ। 11:45 से हरौली ऊना में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। आगामी हिमाचल में विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से अब बीजेपी ने कमर कस ली है, एक एक कर अब प्रचारक का दौर चालू कर दिया है पीएम मोदी खुद, और अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रचार में उतर गए हैं। स्टार प्रचारक बने हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और ऐसे में अब आज उनका दौरा हिमाचल का कई मायनों से देखा जा रहा है। आज 3 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे, सुबह मौसी एयरपोर्ट से रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसके बाद हिमाचल दौरे पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और ऐसे में बेहद दिलचस्प और अहम बताया जा रहा है ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि हिमाचल विधानसभा चुनाव जीतना है तो ऐसे में स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहली पसंद है। बीजेपी ने पूरी जान झोंक दी है इसमें, और ऐसे में अब कमर कसते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। सभा अमौसी एयरपोर्ट से रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसके बाद 10:50 पर गगल एयरपोर्ट कांगड़ा पहुंचेंगे, जिसके बाद 11:30 हेलीपैड से सलोह ऊना पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ऊना में आज उनका जनसभा पहले से आयोजित है, और जनसभा में वो तमाम बीजेपी के पक्ष में वोट मांगने की अपील करेंगे। बीजेपी की जो सरकार अभी हिमाचल में है, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियम जुड़ गए। प्रियम, जिस तरह से अब 3 विधानसभा क्षेत्रों के जो जनसभा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ हिमाचल पहुंच रहे, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए आज एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ का हिमाचल प्रदेश का दौरा है। हिमाचल प्रदेश में अब से कुछ देर में हिमाचल प्रदेश पहुंचने वाले हैं। वहां पर पहुंचकर वो अलग अलग जगहों पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे, रैलियां करेंगे। इससे पहले भी अगर आप देखें तो 2-3 जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां वहां पे 2-3 जो है पहले भी वो जा चुके हैं और वहां पे प्रचार प्रसार किया है, और जिस तरीके का फीडबैक मिला है उसको एक बड़ी संख्या है ऐसी जो लोग हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को पसंद कर रहे हैं और वहां पर जुड़ना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस बात का फायदा पूरी तरह से बीजेपी जो है वो उठाना चाहती है। और इसी के लिए अगर आप देखें तो ताबड़तोड़ जो दौरे रहे हैं वो लगातार हिमाचल प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले हैं। ठीक उसी तरीके से आज भी अब से महज कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे, अलग अलग जगहों पर 3 आज जनसभाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो नजर आएंगे। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाना है, बीजेपी चूंकि सत्ता में वहां पे थी और एक बार फिर अब जब चुनाव आया है तो जब बीजेपी हिमाचल प्रदेश बीजेपी के लिए जब एक परीक्षा की घड़ी है तो उसमें मदद करते हुए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी का भी लक्ष्य है कि इस बात का वो फायदा उठाए, क्योंकि बड़े संख्या में लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से उन्होंने कारनामा इस 22 के चुनाव में करके दिखाया कि 17 में वो थे, 17 से 22 तक का अपना टेनेवर पूरा किया और अपने कामों को लेकर जनता के बीच में गए और जनता ने एक बार फिर उनको आशीर्वाद दिया और वो श्री विजय के साथ में सत्ता पे काबिज हुए, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो चाहती है कि इसी तरीके का माहौल जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी के पक्ष में हो और एक बार फिर इतिहास को जो है वो दोहराया जाए और हिमाचल प्रदेश में भी दोबारा सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। इस बात को लेकर लगातार बीजेपी जो है प्रयासरत है। लगातार अगर आप देखें अन्य नेताओं के भी दौरे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो डिमांड है वो सबसे अधिक है और इस बात को संगठन और पार्टी बहुत अच्छे से समझ रही है, और इसीलिए अगर आप देखें तो लगातार ये रैलियां की गई हैं। इससे पहले की जो जनसभाएं हुई हैं उसमें आप देखें तो बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो जुटी है, बड़ी संख्या में लोग जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए वहां पर पहुंचे, तो कह सकते हैं कि लगातार अगर आप देखें, और केवल ये हिमाचल प्रदेश के चुनाव में देखने को नहीं मिला, इससे पहले के और जो अन्य राज्यों के चुनाव है वहां पर भी बीजेपी ने बतौर स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम जो है वो सूची में रखा है, चाहे वो आप पश्चिम बंगाल के चुनाव हो, बिहार के चुनाव हो या अन्य राज्यों के चुनाव की आप बात करें, और वहां पर जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं
तो बीजेपी को उसका फायदा मिला है। और ठीक उसी तरीके से इस बार भी तस्वीर देखने को मिल रही हिमाचल प्रदेश के चुनाव में। आपसे मैच कुछ देर बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में होंगे, और जहां पर वो अपने हिंदुत्ववादी फायर ब्रांड नेता के तौर पर जो जाने जाते हैं, जो हिंदुत्ववादी छवि है उसका वहां पे प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। उनके भाषणों में भी इस तरीके की बातें निकल के सामने आएंगी। राष्ट्रीय मुद्दों को इससे पहले जो उनकी रैलियां हुई उन्होंने उठाया, धारा 370 का मसला रहा हो, उत्तर प्रदेश के अंदर जो काम हुए उसको उन्होंने वहां पे गिनाया, अयोध्या के अंदर राम मंदिर निर्माण कार्य को लेकर हो, दीपोत्सव का कार्यक्रम हो, इन सभी चीजों को गिनाते हुए नजर आए हैं। कोरोना काल के समय जिस तरीके से अस्पतालों में व्यवस्थाएं करी गई, केंद्र सरकार की तरफ से की जो योजनाएं चली और केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद मुहैया कराई गई, उन सभी को वो गिनाते हुए नजर आए हैं। कोविड के दौरान उन्होंने अस्पतालों के अंदर जो व्यवस्थाएं हुई उसका उन्होंने जिक्र किया, वैक्सीन का उन्होंने जिक्र किया, निःशुल्क दवाओं का जिक्र किया, 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया गया, इस बात का उन्होंने वहां पर जिक्र किया। तो साफ तौर पर एक तरफ जहां अपने वो हिंदुत्ववादी छवि को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विकास कार्यों को लेकर सरकार की तरफ जो कार्य किए गए हैं, सरकार जो उपलब्धियां रही हैं उसको गिनाते हुए भी नजर आए हैं। तो आज भी देखना होगा, आज जो 3 अलग अलग जगहों पे जो रैलियां होनी है उसमें भी माना जा रहा है कि इसी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अपनी बात को रख सकते हैं और कहीं ना कहीं इसका फायदा जो हिमाचल प्रदेश के चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बिल्कुल प्रियम, और ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि 2 राउंड के दौरे पर तो पहले ही जा चुके हैं हिमाचल सीएम योगी आदित्यनाथ, और ऐसे में अब 3रे राउंड के लिए 3 विधानसभा क्षेत्रों में आज जनसभाएं करेंगे, कितना फायदा बीजेपी को होगा लग रहा है आपको? देखिए, वही मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से आप देखें अन्य राज्यों के चुनाव हुए वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ को बतौर स्टार प्रचारक के तौर पर भेजा गया और उसका बेहतरीन परिणाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला। एक बड़ा तबका, एक बड़ी जो है वो कह सकते हैं मतदाता जो है वो योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं और इसीलिए इस बात को बीजेपी अपने फायदा उठाना चाहती है। और इसीलिए अगर आप देखें तो लगातार योगी आदित्यनाथ की वहां पर रैलियां कराई जा रही हैं, योगी आदित्यनाथ वहां पर जा रहे हैं और माना जा रहा है कि इस बार भी हिमाचल का जो चुनाव होगा वहां पर भी इस बात का फायदा लेते हुए बीजेपी नजर आएगी और बीजेपी नजर आ भी रही है और कहीं ना कहीं देखना होगा चुनावी परिणाम में ये कितना परिवर्तित होता है। प्रियम, पहले से भी वहां पर शासन बीजेपी का ही है और पहले से सरकार बीजेपी की है, तो ऐसे में सरकार गिरे ना इसकी भी तमाम तैयारियां है, इसीलिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाया गया है। पीएम मोदी के बाद अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है और ऐसे में उनको स्टार प्रचारक बनाना सीधे तौर पर एक मैसेज देता है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि परीक्षा भारतीय जनता पार्टी की है चूंकि वो सत्ता में थे, 2017 में जनता ने उनको मैंडेट दिया था, 2017 में वहां पे जो है बीजेपी सत्ता में काबिज हुई, अब एक बार फिर परीक्षा की घड़ी है और इसीलिए कह सकते हैं कि लगातार आप देखें तो केवल योगी आदित्यनाथ नहीं, अमित शाह की रैलियां हुई, जेपी नड्डा लगातार वहां प्रवास पे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, योगी आदित्यनाथ हो, इन सबको सब जो है अपने पूरे पूरे दमखम के साथ में मैदान में है चूंकि परीक्षा की घड़ी है। और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगी कि एक राज्य जहां पर उसकी सरकार है वो उससे छूटे, तो इसलिए पूरा दमखम के साथ में मैदान में है। जयराम ठाकुर देखें तो वो लगातार प्रयासरत है, तो पूरा प्रयास है कि माहौल को बरकरार रखा जाए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल हो ताकि जो नतीजे 2017 के आए थे वही 2022 में रिपीट किए जा सके। बिल्कुल प्रेम, और एक कट्टर हिंदुवादी चेहरा भी माने जाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और ऐसे में जो शीर्ष नेता है वो सभी पहुंच रहे हैं बीजेपी की तरफ से भी, और बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी खुद सीएम अरविंद केजरीवाल भी वहां पहुंच रहे हैं, भगवंत मान पहुंच रहे हैं, ऐसे में तमाम जो शीर्ष नेता है आम आदमी पार्टी की भी वहां पहुंच रहे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से फिलहाल कोई बड़ी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही और ऐसे में बैकफुट में नजर आ रहे कांग्रेस। देखिए अभी फिलहाल मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही देखने को मिल रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी पूरे दमखम के साथ में चुनाव जो है वो लड़ा जा रहा है, कितना ये जो प्रयास है वो सफलता में बदलेगा ये तो चुनावी जब नतीजे आएंगे तभी तस्वीर जो है वो पूरी तरह से साफ होगी, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि मेहनत के साथ में और पूरे दमखम के साथ में कांग्रेस भी जो मैदान में है, आम आदमी पार्टी जरूर हिमाचल प्रदेश में अपने राजनीतिक जमीन को तलाश रही है लेकिन क्या वो वहां पर कामयाबी हासिल करेगी, क्या कुछ स्थितियां ऐसी होंगी जिस पर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे, तो ये सभी चीजें जो हैं वो मतदान के बाद जब मतगणना होगी उसके साथ ही तस्वीर साफ होगी, लेकिन कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी भी अभी अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज है कि वो अपनी सत्ता को, अपनी सीटों को बचा कर रखे, कांग्रेस के पास एक मौका है कि वो बेहतरीन परफॉर्मेंस करे और ये जता सकती है लोगों के बीच में इस बात का भरोसा बना सकती है कि अब जनता एक बार फिर कांग्रेस पे भरोसा कर रही है और कहीं ना कहीं उसका फायदा उसको 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा, तो इस बात को भी कांग्रेस बहुत अच्छी से समझ रही है। दोनों ही पार्टियों के लिए कह सकते हैं
निष्ठा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो एक बार फिर ये मैसेज लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास करेगी कि देखिए अभी भी जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं, उनको पसंद कर रहे हैं और उसका सीधा फायदा लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है 2024 का उसमें मिलेगा। कांग्रेस के पास ऑप्शन है कि वो वहां पर अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस करती है, 2017 से बेहतरीन नतीजे आते हैं तो उसके पास उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा इससे कि अब लोग जो है वो पार्टी को पसंद कर रहे हैं। जिस तरीके से परिवर्तन हुआ, कांग्रेस में पहली बार ऐसा हुआ चुनाव करके राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना गया, गांधी परिवार के अलावा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, तो कहीं ना कहीं एक परिवर्तन करने की बयार शुरू हुई है और देखना होगा क्या ये जो प्रयोग किया गया है कि गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है वो कितना सफल साबित होगा, ये भी हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजे जो काफी हद तक डिसाइड करेंगे। बिल्कुल प्रियम, और ये भी है कि क्योंकि बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल है क्योंकि पहले से शासन है और ऐसे में अब पूरा जो शासन है वो रिपीट किया जाए, सरकार दोबारा से बीजेपी की आए, इसके लिए भी कमर कस लिए क्योंकि कई जो वहां से नेता आते हैं, जयराम ठाकुर की बात करें या बात करें अनुराग ठाकुर की, खुद बात करें जेपी नड्डा की, तो सभी जो नेता वहां से आते हैं हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं और ऐसे में बहुत मायने निकाले जाते हैं हिमाचल के, तो कितना अहम बीजेपी के लिए। मैंने देखिए अभी आपको बताया कि बीजेपी के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल है क्योंकि वो खुद सत्ता में हैं, उनके जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें बड़ी संख्या ऐसी है जो हिमाचल प्रदेश से आती है, जैसे कि आपने नाम लिया जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो खुद हिमाचल प्रदेश से आते हैं, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं सूचना एवं प्रसारण वो वहां से आते हैं, जयराम ठाकुर हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठा जाहिर सी बात है कि बीजेपी की इस समय ज्यादा दांव पर है क्योंकि वो सत्ता पे है, वहां पे कुछ नुकसान होता है तो बीजेपी खोएगी। कांग्रेस को पाने के लिए प्रयास करना है और भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए प्रयास करना है, तो दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का सवाल है और दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं ये चुनाव काफी हद तक जो है वो 2024 के नतीजों को भी प्रभावित कर सकता है, इस बात को भी दोनों पार्टियां बखूबी जानती हैं और इसीलिए अगर आप देखें तो पूरे दमखम के साथ दोनों पार्टियां मैदान में नजर आ रही हैं। बिल्कुल प्रियम, प्रतिष्ठा का सवाल बीजेपी के लिए भी है और कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी भी इस वक्त तैयारियों में जुट गया है। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए प्रियम। तो वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में देव दीपावली की तैयारियों का जायजा लिया है। वाराणसी में आज मनाई जाएगी देव दिवाली। सीएम योगी ने वाराणसी के घाटों की सजावट को देखा, गंगा में नाव पर सवार होकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सजावट का जायजा लिया है। वाराणसी में आज देव दीपावली का अहम त्योहार मनाया जाएगा और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद जायजा लिया है। नाव पर सवार होकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी सजावट की जानकारी ली है, जायजा लिया है, निरीक्षण किया है पूरी स्थिति का, घाट का, सजावट का, सुरक्षा का, सभी पैमानों पर जिस तरह से नजर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाई हुई है, तमाम जानकारी हासिल करी। नाव पर बैठकर खुद ही पहुंचे वहां पर और नाव पर बैठकर तमाम सजावट की भी जायजा लिया, जानकारी ली। आज देव दिवाली का अहम त्योहार है और ऐसे में आज 12 लाख दीपों से घाट को सजाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में देख सकते हैं आप किस तरह से तस्वीरों में नाव पर बैठकर सजावट का जायजा लेते हुए, वाराणसी के घाटों की आज सजावट देखने लायक होगी, बेहद मनमोहक और अद्भुत तस्वीरें सामने आएगी जब गंगा में गंगा घाट पर 12 लाख दिए जलाए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद से जायजा लिया है वाराणसी के घाटों का, जिसमें कि तमाम जो पैमाने हैं सुरक्षा से लेकर सजावट तक सभी पर पैनी नजर सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से नाव पर बैठकर नाव पर सवार होकर उन्होंने सजावट की तमाम जानकारी एकत्र की है। वहीं गाजियाबाद के थाना नंदग्राम इलाके की राजनगर एक्सटेंशन की प्लैटिनम सोसाइटी में फ्लैट में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें फ्लैट से बाहर निकलने लगी और दूसरी मंजिल तक पहुंचने लगी, जिससे सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। फायर सर्विस की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बता दें कि पॉश इलाके में लगी आग से हड़कंप मच गया, सोसाइटी के फ्लैट में आग लगी थी और ऐसे में गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की हम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आग की लपटें सेकंड फ्लोर तक पहुंच गई, दूसरी फ्लोर तक इसकी लपटें पहुंची। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सोसाइटी में फ्लैट में आग लगी
जिसके बाद पौश इलाके में हड़कंप मच गया। सोसाइटी के फ्लैट में आग लगने से जिस तरह से लोगों की अफरा तफरी देखी गई, गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन का यह पूरा मामला। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर फायर सर्विस को तलब किया गया, फायर सर्विस को इसकी सूचना दी गई और मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंचकर इस पूरे घटना पर अपनी तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और ऐसे में फायर सर्विस ने आग पर काबू पाकर किसी तरह से आग को बुझाने का कार्य किया और ऐसे में पौश इलाके में जिस तरह से एकाएक आग लगी, इससे लोगों में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल देखा गया। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आग की लपटें दूसरे मंजिल तक पहुंच गई। फ्लैट में आग लगने से जिस तरह से हड़कंप मचा, सीसीटीवी में ये पूरी जो घटना की वीडियो कैद हो गई। वहीं यूपी में नहीं थम रहा हर्ष फायरिंग का सिलसिला। हापुड़ के सामने आया ये हर्ष फायरिंग का नया मामला, जहां पर हापुड़ से ये नया मामला सामने आया है और एक वीडियो सामने आया जिसमें शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर हापुड़ में शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो सामने आया है, ये वीडियो वायरल हो गया है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर अब यूपी में एकाएक जिस तरह से हर्ष फायरिंग के मामले सामने आ रहे हैं, हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। तमाम प्रशासन की तरफ से कवायद की गई है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यूपी में हर्ष फायरिंग के मामले थम नहीं रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से फायरिंग की जा रही है। हापुड़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हर्ष फायरिंग के जो मामले हैं रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और ऐसे में हापुड़ से हर्ष फायरिंग का एक और मामला सामने आया है। लगातार प्रशासन की तरफ से कार्य किया जाता है जिससे कि हर्ष फायरिंग के मामलों में रोक आए। वही हरियाणा के रोहतक से बड़ी खबर सामने आ रही है, 500 और 2000 के नकली नोट बरामद किए गए हैं। रोहतक का CIA वन ने गुरु चेले को किया है गिरफ्तार और ये गुरु चेले इस वक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिन्होंने 500 और 2000 के नोट फर्जी नोट बनाए थे और इसमें जज्जर की राधा स्वामी कॉलोनी में बनाते थे नकली नोट। इससे पहले भी आरोपियों पर दर्ज है FIR और आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। आरोपी सोमबीर है, करतूत इसका मास्टरमाइंड बताया जाता है, जो कि झज्जर के खेड़ी जट गांव का रहने वाला है सोमवीर। जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है, इससे पहले भी इस पर FIR दर्ज है, मामला दर्ज है, फर्जी नोट बनाने का मामला इस पर दर्ज है। और अब आपको बता दें कि आरोपी सोमवीर मास्टरमाइंड बताया जाता है इस पूरे मामले का, जिसने 500 और 2000 के नकली नोट बनाने का कार्य किया है, अब हिरासत में ले लिया गया है। हरियाणा के रोहतक की इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर नकली नोट बनाने का कार्य धड़ल्ले से चल रहा था, 500 और 2000 के नकली नोट बरामद किए गए हैं, मास्टरमाइंड सोमवीर गिरफ्तार कर लिया गया है। रोहतक की CIA वन ने इसे गिरफ्तार किया, झज्जर की राधा स्वामी कॉलोनी में नकली नोट बनाने का कार्य करता था सोमवीर, मास्टरमाइंड बताया जाता था, और ऐसे में अब दोनों ही गुरु चेलों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। आरोपी सोमवीर बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड था इस पूरे मामले में और ऐसे में 500 और 2000 के नकली नोट बनाने का कार्य झज्जर में चल रहा था, झज्जर के खेड़ी जट गांव का रहने वाला सोमवीर बताया जा रहा है।
रोहतक से इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रोहतक में धड़ल्ले से नकली नोट बनाने का कार्य हो रहा था और ऐसे में 500 और 2000 के कई नकली नोट बरामद किए गए हैं। मास्टरमाइंड सोमवीर गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले भी आरोपी पर FIR दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद अब रिमांड पर ले लिया है। रिमांड पर पूरी जानकारी एकत्र की जाएगी कि आखिर इस करतूत में कौन कौन और शामिल है। मास्टरमाइंड सोमवीर बताया जा रहा है और ऐसे में दोनों ही गुरु चेले को गिरफ्तार कर अब जेल में भेज दिया गया है। जुज्जर के खेड़ी जट गांव का रहने वाला सोमवीर बताया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।